आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करेंगे। मैंने अभी एक साइंस का लेक्चर बनाया था, मैंने आपसे पूछा था कि आप और ऐसे साइंस के लेक्चर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री किस चीज़ का लेक्चर चाहते हैं। अभी मैंने जो लेक्चर बनाया था आपको याद है हिग्स बोसोन पे, तो उस पर लाखों व्यूज आए थे, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। फिलहाल हम एलियंस की बात करेंगे भैया, एलियंस, यस हम बात करेंगे ये खतरनाक एलियंस की। क्या ये वाकई हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ढूंढ निकाला। जेम्स वेब टेलीस्कोप की टेक्निकलिटी की बात करेंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको आसान शब्दों में एक एक चीज समझा दूंगा। ओके, तो भैया यहां पे नासा ने, हालांकि देखिए ये न्यूज पुरानी बट ये ट्रेंडिंग में है, इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप हर मतलब बहुत नई नई तस्वीरें जो है वो भेज रहा है। तो नासा ने ये पिछले हफ्ते की बात है, बहुत सारी इमेजेस भेजी। क्या इमेजेस थी वो? वो थी हमारी गैलेक्सी की। किसने भेजी? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। क्यों भेजी? क्योंकि हमको जानना है यूनिवर्स कैसे बना। क्या इससे पहले कोई इमेज नहीं भेज रहा था? भेज रहा था, लेकिन वो हबल टेलीस्कोप था, बूढ़ा हो गया था, रिटायर हो गया वो। उन्होंने बोला भाई अब मेरा बेटा आएगा तेज तर्रार, वो अब फोटो खींचेगा, अब मैं फोटो नहीं खींच सकता। इसकी बात हम करेंगे दोस्तों, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, वक्त टाइम जो है ना स्पेस में वॉर्प हो जाता है, स्पेस एंड टाइम। किसी दिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे रिलेटेड है। वक्त बहुत धीमे चलता, कहीं तेज चलता है, लेकिन हमारे लिए वक्त एक जैसा चलता है। मैं इन जनरल बता रहा हूं, हालांकि आपके ऊपर है कि आप वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हो। बहुत लोग वक्त को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स निकाल दिया है। मैं आपको बताऊंगा 5 लाइव सेशंस में कि किस तरीके से वक्त को मैनेज करेंगे। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाला है, 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हैं। अगर आपको पर्सनैलिटी ग्रोथ का भी कोर्स लेना, तो हमने उसको भी कंबाइन कर दिया है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, आपको डाउनलोड करें, नंबर्स पर कॉल करें और हमारे कोर्स को अवेल करें। ओके, तो ये क्या है बेसिकली? देखिए टेलीस्कोप जो है, एक होता माइक्रोस्कोप और एक होता टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने को, आपके पास साइंस होगी तो क्लास 12th में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। तो आप समझिए कि टेलीस्कोप दूर की चीजें देखने के लिए यूज होता है। कितनी दूर सर? दिल्ली? ना बेटा ना। एक जोक नहीं था कि चांद पास है कि दिल्ली पास है, तो बोलते कि चांद पास है क्योंकि चांद दिख जाता है, दिल्ली दिखता नहीं है। हाँ। लेकिन दूर मतलब स्पेस, दूर दराज स्पेस हो गया, चांद हो गया, गैलेक्सी जो बन चुकी है, बिग बैंग समझिए, इतनी पीछे हम जा रहे हैं, 13.5 बिलियन ईयर्स एगो वाली इमेज हमको दे दी है यहां पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी हबल। देखिए हबल सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, 1990 में इसको लॉन्च किया गया। हबल जब लॉन्च किया गया तो वो पिक्चर्स तो भेज रहा था, खचाक खचाक पिक्चर्स भेज रहा था क्लिक करके, लेकिन वो क्लियर नहीं थी, वो समझिए 144p में पिक्चर भेज रहा था, है ना। तो अब साइंटिस्ट का मूड खराब हुआ। हालांकि देखिए हबल ने बहुत काम किया, आपको बता दूं कि लगभग 14 लाख के करीब ऑब्जर्वेशन उसने दिए हैं। हबल भैया बहुत ही जबरदस्त काम किया, लेकिन अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बातचीत शुरू हो गई कि यार अब हबल ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमको एक ऐसे शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत है जो हमको बहुत ही क्लियर 720p में फोटो खींच के दे दे मतलब इतनी क्लैरिटी हो, समझ रहे हो। तो यहां पे जेम्स वेब टेलीस्कोप आता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 1000 गुना ज्यादा है हबल से, मतलब आम जो हबल से नहीं, मतलब हबल से तो 10-20 गुना ज्यादा है। इसके जो मिरर्स हैं, ठीक है, जो जिस तरीके से इन्होंने कैम का यूज किया है, मतलब मिरर्स का यूज किया है, वो भी 6-7 गुना ज्यादा है। तो यानी कि हर चीज में जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से आगे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हबल जो है बेसिकली विजिबल रीजन में या अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑपरेट करता था, सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट करता है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। सर क्या बता रहे हैं? बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ एनर्जी। मैंने जब स्पेक्ट्रम के मैं प्रैक्टिकल करता था तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था, क्योंकि भाई एंगल सब निकालना होता था, तो मेरा हमेशा गलत आता था। स्पेक्ट्रम बेसिकली बैंड ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी के बैंड अब 3 तरीके के, वैसे तो 4 भी हैं, बट 3 तरीके के होते हैं। क्या? एक होता है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ठीक है, ये 3 तरीके के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, है ना। अब अल्ट्रावायलेट की बात करें
तो जो भी बैंड ऑफ एनर्जी इसमें आएगी वो इसको कैप्चर करेगा। विजिबल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हो ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये व्हाइट लाइट है, सब व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है किसमें? व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है विबग्योर में, स्पेक्ट्रम बनता है ना, स्पेक्ट्रम विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, इसको कहते हैं विजिबल, जो हम देख पा रहे, जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये विजिबल है। फिर होता है आपका इंफ्रारेड, जो हम देख नहीं सकते वो इंफ्रारेड में आता है। अब इंफ्रारेड देखिए, पूरे यूनिवर्स में इंफ्रारेड ही फैला हुआ है, तो अब इंफ्रारेड को देखने के लिए आपको एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो इस स्पेक्ट्रम में काम करे, है कि नहीं। इस स्पेक्ट्रम में तो भैया ये बनाया गया 0.6 से लेकर 0.28 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो ये बनाया गया। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में भी काम करता है। दो कैम है इसमें, नियर कैम, नियर इंफ्रारेड रीजन, और मिड कैम, मिड इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। नियर इंफ्रारेड रीजन आप समझ सकते हैं, कोई बहुत दूर से रोशनी आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, खाली आपने इसे एकदम बहुत सब कुछ बुझा दिया और सब पूरी लाइट बुझा दी, ऑफ कर दिया, और उसके बाद आपने बहुत ही ऐसे देखा कि अच्छा क्या आ रहा है, तो आपको क्लियरली दिखेगा ये इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रीजन जो है वो काम करता है, ठीक है। और ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो मिरर कैम लगा लो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इनके जो मिरर्स हैं वो तैयार किए गए हैं, ठीक है। टेलीस्कोप इस तरीके से तैयार किया, भैया बहुत ठंडा टेलीस्कोप है ये, समझिए कि -266.3 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया, मतलब लगभग नियर जीरो डिग्री सेल्सियस पे, तो बहुत ही ठंडे पे इसके जो सेटअप है वो रखा गया है। रखा क्या गया, बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था पिछले साल 2021 में फ्रेंच गयाना से, ठीक है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था, आरियाना से बेसिकली। और ये अभी L2 पे, L1, L2 ये सब लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सूरज के पास L2 ज्यादा अगर सूरज के करीब भेजेंगे ना तो जल जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा गया है पे, जिनको लैग्रेंजियन पॉइंट्स बोलते हैं, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स परफेक्टली स्टेबल है इस टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से L2 पॉइंट पे है, तो वहां पे इसने तस्वीरें खींच खींच के भेजी हैं। अब भैया जब तस्वीरें इसने खींची तो बवाल मच गया, बवाल ऐसे मच गया कि इस टेलीस्कोप ने ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के निकाली हैं, एलियंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वॉस्प 96B, मतलब इसको देख के जुपिटर से आधा, लेकिन स्टिल येट बहुत ही ज्यादा पावरफुल, टेम्परेचर लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफी ज्यादा है, लेकिन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ये एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट मतलब जो हमारी गैलेक्सी के बाहर है, एक्सो मतलब बाहर हो गया, समझ रहे हो। तो एक्सोप्लैनेट है ये बेसिकली, आप समझिए कि इस प्लैनेट पे वॉटर की प्रेजेंस पाई गई है। वॉटर की प्रेजेंस, जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम क्या है कि हमारे धरती, हमारी धरती नहीं, हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसे बनी, उसका इतिहास क्या है, वो सबको खोज के लेके आओ। फिर उसके बाद इतिहास से लेकर अभी तक गैलेक्सी में क्या हो रहा है, कितने तारे बने, कहां कहां पे वो तारे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वॉटर को ढूंढना, क्या कहीं कोई ऐसी चीज है जो लाइफ को सपोर्ट करे, ये भी जेम्स वेब टेलीस्कोप कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर एक क्या L2 पे खड़ा हुआ है, इतनी दूर दूर, लाइट ईयर्स की दूरी पे है, आप क्या बात कर रहे हो सर, ये टेलीस्कोप वहां पे कोई स्पेसक्राफ्ट थोड़ी ना है जो प्लैनेट पे जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है, समझ रहे हो। स्पेक्ट्रम लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंफ्रारेड, अल्ट्रा विजिबल, सॉरी अल्ट्रा वायलेट और ये विजिबल में क्या है, लाइट है। लाइट से ही आप बताओगे ना, समझिए स्पेस में लाइट जो है वो जीवन है, वैसे भी जीवन है लेकिन रोशनी जीवन है। मैं रॉड लाइट की स्पीड से फेंक के मारूंगा ना, रॉड गायब हो जाएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये लाइट को देखता है, जो वेब, जेम्स वेब टेलीस्कोप पे लाइट आ रही है ना, उससे ये बताता है कि क्या गड़बड़ झाला है, समझ रहे हो। उसको भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए ये जो लाइट आ रही है, इसको मैग्निफाई किया गया, ठीक है, इसको मैग्निफाई किया गया, और फिर हमको मिलता है SMACS, ये वाली गैलेक्सी SMACS 0723, भैया ये हमारी 13 बिलियन ईयर्स एगो वाली गैलेक्सी है। सर एक बात बताइए, 13 बिलियन ईयर एगो मतलब क्या हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? समझो तुम 10 दिन पहले दिल्ली से चले हो, एक एग्जांपल, 10 दिन पहले दिल्ली से चले हो, मैं ट्रैक कर रहा हूं, ट्रैक कर रहा हूं, तुम 10 दिन पहले चले और अभी मेरे पास आए,
मैं यहां पे बैठा हूं, तुम आ गए मेरे पास। अब मैं इसको ट्रैक करते हुए पीछे जा सकता हूं ना, पीछे जा सकता हूं। मैं हूं जेम्स वेब टेलीस्कोप, तुम हो लाइट, समझ रहे हो? तो मैं लाइट को ट्रैक करते हुए, क्योंकि लाइट को पहुंचने में जेम्स वेब टेलीस्कोप तक 13 बिलियन ईयर्स लग गए। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन से हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये इमेज जो है 13 बिलियन ईयर्स एगो, ये भैया जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था तब की है, समझ रहे हो? और ये समझिए कि इसमें ही अकेले में 5000 गैलेक्सीज हैं, और ये समझिए कि चावल के दाने जितना है, तो कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हो सकती हैं, और हम एक गैलेक्सी मिल्की वे में, और इंसान सोचता कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल। तो समझिए कि ये एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी में मजा आ गई, मतलब इसको जब इन्होंने रिलीज किया, ओके? उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है कॉस्मिक क्लिफ्स, ठीक है? ये तारे का जन्म हो रहा है, ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटे, जस्ट जन्म हुआ इन तारों का, ये तारे एक नए तारे का जन्म हो रहा है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ अ स्टार। ये भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, और इसमें डाइंग स्टार भी, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ जन्म है और एक तरफ तारा मर रहा है, वो भी मैं बताऊंगा, समझ रहे हो? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो 1120 लाइट ईयर्स दूर है, वॉस्प 96b, बाप रे बाप रे बाप, यहां पे एलियंस हो सकते हैं। देखिए मैं वॉस्प 96b पे आता हूं, उसके बाद मैं इन चीजों को बताऊंगा। सबसे पहले देखो बेटा क्या है ना, कि ये देखो आप, हम उस प्लैनेट पे गए नहीं, लेकिन हमने वहां के स्पेक्ट्रम की स्टडी की। देखो आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जैसे यही है, ये दीवार है, जैसे ये दीवार ऑरेंज की है, ठीक है? तो ये क्या कर रही है कि ये लाइट को ना, लाइट को फेंक रही है। कहने का मतलब ये है, जो कॉमन एग्जांपल दिया जाता है वो क्लोरोफिल, हम पत्तों का एग्जांपल ले लेते हैं, पत्ते। अब जैसे पत्ते हैं, वो जो ग्रीन कलर होता है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको नहीं आने देते हैं। वो ग्रीन कलर हमारी आंखों तक आता है, तभी हमको जो पत्ते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। तो आप समझिए कि जो यहां पे कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो वापस चला जाएगा ना, मतलब ये जैसे ये ब्लैक है, ठीक है? अब देखिए मुझे ये ब्लैक दिख रहा है, नॉट एब्जॉर्बिंग ब्लैक, तो ये रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों तक आ रहा है, इससे की वजह से मैं इसको ब्लैक देख पा रहा हूं। आप समझ रहे हो, जो भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा वो भैया। तो यहां पे समझिए कि ये आप जो देख रहे हो ना, इस प्लैनेट पे वॉटर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हमको ये पता चला है कि दिस इज गेटिंग ब्लॉक्ड, और इसीलिए हमको लाइफ साइंस देखने को मिले, सिग्नेचर्स ऑफ लाइफ देखने को मिले, कि यानी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है, मतलब नहीं अब्सॉर्ब कर रही है। दैट मींस यहां पे वाटर है, यहां पे पानी है, तो अगर यहां पे पानी है तो आप समझ ही सकते हो कि यहां पे लाइफ भी होगी। पानी है तो जिंदगी है, लेकिन जिंदगी यहां पे थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो रहने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों 5000 के करीब एक्सोप्लैनेट्स करेंटली हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है आपको एलियंस का पता चलेगा। माइट बी पॉसिबिलिटी, 50-50 चांसेस हैं कि यहां पे एलियंस हो सकते हैं, ठीक है? हम गए नहीं, लेकिन हमने स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगाया, राइट? तो ये चीज है। तो भैया तैयार हो जाओ, देखिए एलियंस ऐसे तो दिखाए जाते हैं, जैसे अभी मैं एक मूवी देख रहा था, क्वाइट प्लेस 2, हो सकता है वैसे भी हो, बट मुझे नहीं लगता वैसे होंगे एलियंस। अगर होंगे तो ऐसे होंगे ही, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भैया ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सिर्फ स्पेक्ट्रम देखा है, हो सकता है कि जो बाहर रह रहे हो, जो एलियंस हो, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस प्लैनेट के हिसाब से ढला हो, क्योंकि जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, ठीक है? तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों यहां पे ये देख सकते हैं, ये तो नेब्यूला है। नेब्यूला बेसिकली क्या होते हैं? नेब्यूला बेसिकली डस्ट एंड गैसेस, जिसको निहारिका कहते हैं ना, उसको जो आपके स्टार्स होते हैं ना वो फेंकते हैं, ठीक है? डस्ट एंड गैसेस को फेंकते हैं, मतलब एक तरीके से ब्राइटनेस। स्टीफन क्विंटेट, ये आप देख सकते हो, स्टीफन क्विंटेट भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 गैलेक्सीज का समूह है, और एक गैलेक्सी जो है ये, अभी यहां पे आपको ज्यादा अच्छे से पिक्चर्स दिखेंगी, ठीक है? ये देख सकते हो ना,
ये जो है पांच गैलेक्सीज का समूह है, इसमें धोखा दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, ये वाली गैलेक्सी जो है वो 40 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, बाकी ये जो तीन और हैं, ठीक है, चार और इनफैक्ट वो 260 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं। तो यानी कि इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो है, जो पास है 260 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है। और यहां पे ये भी बोला गया कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ये ब्लैक होल है, इधर साइड जो है वो ब्लैक होल टाइप का है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, इवेंट होराइजन। तो ये जो स्ट्राइकिंग इमेजेस हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमको दी हैं, सबका सर चकरा गया है। क्विंटेट मतलब ही होता है पांच, तो सबका सर चकरा गया है। उसके बाद यहां पे एक डाइंग स्टार की फोटो नहीं लगाई है, यहां पे डाइंग स्टार की भी फोटो लगाई जानी, चलिए कोई बात नहीं, आप वो सर्च करिएगा, उसमें बहुत ही खूबसूरत फोटो खींची है एक मरते हुए सितारे की, एक मरते हुए, हालांकि हमारा जो सूरज है वो भी 5 बिलियन ईयर्स एगो के बाद मर जाएगा, रेड जायंट हो जाएगा, मतलब मरेगा नहीं, बहुत खूंखार हो जाएगा, सब कुछ निगल लेगा, तब तक हमारे पास टाइम है, अभी 5 बिलियन तो बहुत ही, तब तक उससे पहले ही मुझे लग रहा है इंसानियत खत्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत है कि उसमें मरते हुए तारे को दिखाया गया है, और अगेन निरी कैम और मिरी कैम के मदद से एकदम क्लियरली विजिबल है वो, और आसपास नेब्यूला निहारिका, ठीक है। तो ये है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एलियंस होंगे नहीं होंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बहुत सारी चीजें पता लगाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी साइंस पे लेक्चर्स बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स बनाओ, किस पे आप चाहते हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।